आज क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.7 के सम करेंगे 4 to 6। फोर्थ सम है फाइन। इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट से 7.9 डिवाइड 1000। 7.9 को 1000 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? 7.9 डिवाइड 1000। अब इसमें यूं मान लो कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, एक बार इसको ऐसा महसूस करो कि इसमें है नहीं, तो इसको क्या कटोगे? 79। अब 79 और 1000 से इसको डिवाइड करना, तो टेबल लोगे तो जाएगी नहीं। अब इसमें हमने 10 लगा दी, अब क्या करें? अब भी 1000 से कम रह गया ये, तो 10 और लगा दी, अब हो गया ये 7900। अब 1000 की टेबल कहां तक जाएगी? 7 तक। 1000 से उतरा 7000, कितने बच गए? 900। अब जब तक बचता रहेगा जीरो लगानी है और उतारनी है। अब 1009 जा 9000, अब कुछ नहीं बचा। डेसिमल कितने से पहले लगाए? 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले, तो 4 से पहले ही लगेगा। 0 0 लगा के 0.0079 ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के सम। सेकंड पार्ट है 26.3 डिवाइड, इसको भी 1000 से करना है। अब 1000 के टेबल में 263 आता ही नहीं, तो क्या करें? स्टार्टिंग में जीरो लगा दो। अब ये हो गया 2630, तो अब 2 पे टेबल जाएगी, 2000 हो गया, बचा कितना? 630। जीरो लगाओ, जीरो उतारो, 6 पे टेबल जाएगी, 6000 हो गया, बचा कितना? 300। जीरो लगाओ, जीरो उतारो, कितने पे गया? 3 पे, कुछ नहीं बचा। 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी 4 से पहले लगाओ, 3 डिजिट तो है, एक अपनी तरफ से जीरो लगाओ और यहाँ आंसर आएगा 0.02363। तो यह आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट 38.5 डिवाइड 1000। करीब चला जाएगा 3, 5, 8। जीरो लगाओ, जीरो उतारो, 8 पे जाएगा, 0, 3, 5, फिर जीरो लगाओ, जीरो उतारो, अब 5 पे जाएगा, 0, 0, 3, फिर जीरो चलाओ और जीरो उतारो, 3 पे जाएगा, अभी कुछ नहीं बचा। तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल है? 5 डिजिट से पहले, यहाँ हमारे पास है 4 डिजिट, तो आगे जीरो लगा के इसको बढ़ा देंगे। यह आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है 128.9। 128.9 को डिवाइड करना है 1000 से। वन पे जाएगी टेबल,
982, जीरो लगाओ जीरो करो, टू पे जाएगी 098, फिर जीरो लगाओ जीरो करो, अब 8 पे जाएगी 009, फिर जीरो से डालो जीरो करो, अब 9 पे चली जाएगी, अब कुछ नहीं बचा। फोर डिजिट से पहले डेसिमल है, फोर से पहले नहीं बता दो, ये आपका फोर पार्ट हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में, जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड 1000, जीरो पॉइंट फाइव को 1000 से डिवाइड करो, ये फाइव है तो टेबल जाएगी नहीं, जीरो लगाया तो 50 हो गया, फिर 20 से कम रह गया, फिर जीरो लगाया 500 हो गया, फिर 20 से कम रह गया, फिर जीरो लगाया, अब ये होगा 5000, टेबल कितने पे जाएगी 5, बचा कुछ नहीं। कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, 4 डिजिट से पहले, और यहाँ हमारे पास है 1 डिजिट, तो आगे 3 टाइम्स जीरो लगा के इसको पढ़ेंगे तो आंसर क्या आ गया 0.0005, ये आपका फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ सम में, उसमें भी डिवीजन के सम है, फाइव फर्स्ट पार्ट 7 डिवाइड 3.5, 7 को 3.5 से डिवाइड करना है, तो क्या करें, ये है 35, ये है 7, अब इस टेबल में आता ही नहीं, तो पहले तो यहाँ डेसिमल लगाओ और फिर जीरो लगाओ, क्योंकि 7 में अगर डेसिमल लगाया फिर जीरो लगाने को 70 हो जाएगा, और 7 में पॉइंट लगा के जीरो लगाओगे तो 7 ही है, 7.0 क्या होता है 7। अब हम क्या करेंगे, 35 की टेबल 70 तक लेके तो 2 जाकर जाएंगे, कुछ नहीं बचा, बच जाता तो फिर जीरो लगा के जीरो कर देंगे। अब डेसिमल कहाँ आएगा, आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो डिवीजन है उसमें 1 डिजिट से पहले है और डिवाइडर में 1 डिजिट से पहले है, तो फिर यहाँ आएगा ही नहीं डेसिमल, 1 में से 1 गया कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ डेसिमल नहीं आएगा, आंसर इसका आ गया 2। और इसका सेकंड पार्ट है 36 डिवाइड 0.2, और 36 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो पहला काम ये है कि ये जो बाहर लिखी हुई है नंबर, इसमें तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल और इसमें है ही नहीं, तो पहले फिर को कम से कम इक्वल करना जीरो लगा के, अब 1 डिजिट से पहले यहाँ हो गया, 1 डिजिट से पहले यहाँ हो गया, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें डेसिमल आएगा ही नहीं, और अगर यहाँ नहीं होता तो फिर कहाँ लगाते डेसिमल, तो इसलिए ये पहले तो हमें इक्वल करने जरूरी है, जितने डिजिट से पहले यहाँ उतने से पहले यहाँ भी डेसिमल होना चाहिए। अब करो डिवाइड, ये क्या है 2 और ये क्या है 360, एक बार हमने अपने माइंड से निकाल दिया कि इसमें डेसिमल है, तो अब 2 की टेबल 1 तक लेंगे, बच गया 1, उतारा 6, 2 8 जा 16, बचा कुछ नहीं उतारे 0, नहीं गया तो चला दी 0, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 180। अब नेक्स्ट है 3.25 इसको डिवाइड कितने से करना है, 0.5 से,
3.25 को 0.5 से डिवाइड करो, तो कर सकते हैं ये 5, ये 325 का डेसिमल को अपने माइंड से निकाल दो, तो 5 6 30, 2 बचा उतार 5 5 5 20। अब डेसिमल कितने डिजिट से पहले आएगा, 2 से पहले यहाँ और 1 से पहले यहाँ, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ आएगा 1 डिजिट से। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट 30.90। तो 25 के टेबल में 5 आएगा ही नहीं, 0 लगा दो, 25 2 50। अब 2 से पहले डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट से पहले यहाँ है, तो 2 में से 2 गया 0, तेरा डेसिमल आएगा ही नहीं। सिक्स पार्ट 7.75 डिवाइड 0.25। तो ये है 25, थ्री पे जाएगी टेबल 75, 7 में से 5 गया 2, उतारे 5, 1 पे कुछ नहीं बचा, 2 डिजिट से पहले यहाँ डेसिमल, 2 से पहले यहाँ, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ डेसिमल आएगा ही नहीं, इसका आंसर आ गया 31। सेवन पार्ट 76.5 डिवाइड 0.15। सबसे पहले इसमें 0 लगाओ, कारण यहाँ 2 डिजिट थे, बाहर वाला से कम डिजिट नहीं हो सकते अंदर वाले नंबर में, तो इसलिए पहले इनको इक्वल करना जरूरी है, इसमें ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं हो सकते, या तो इक्वल हो या ज्यादा हो, कम है तो 0 लगा के इसको बढ़ाना। अब 15 से डिवाइड करो, 15 5 75, 1 बचा उतारा 5, 1 पे गया बचा कुछ नहीं, उतारे 0 और नहीं गया तो चला गया 0। अब अगर ये 0 नहीं होते तो हमारा आंसर होता 51, और ये 0 है, उतारी और नहीं गया तो फिर चला गया 0, तो आंसर हो गया 510। अब 2 से पहले यहाँ, 2 से पहले यहाँ, तो यहाँ डेसिमल आएगा ही नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों। एट पार्ट है 37.8
डिवाइड 1.4 37.8 डिवाइड करो 1.4 से, तो 14 टू जा 28, 7 में से 8 मिल जाएगा, तो चलिए कि 17, 17 में से 8 गया 9, उतार 8, 14, 7 जा 98, कुछ नहीं बचा, 1 से पहले यहाँ, 1 से पहले यहाँ, तो यहाँ डेसिमल आएगा ही नहीं, का 9 पार्ट 2.73 डिवाइड 1.3 2.73 को 1.3 से डिवाइड करो, 13 पूजा 26 बचा 1 उतार 3, 13 पूजा 13 बचा कुछ भी नहीं, 2 से पहले डेसिमल यहाँ, 1 से पहले यहाँ, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ 1 से पहले आएगा। यह आपका फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सिक्स्थ सम में। सिक्स सम है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 liters ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 1 liter of petrol? So, the sixth sum is A vehicle. Vehicle is vahan. Covers distance. दूरी तय करता है और 43.2 किलोमीटर ले रहे 2.4 लीटर पेट्रोल, 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितने का भी दे दिया, अगर 1 का पूछ लिया जाए तो हमेशा डिवाइड होगा, और 1 का देंगे कितने का भी पूछ ले तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे लिखेंगे इसमें, ए व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, ए व्हीकल विल कवर डिस्टेंस इन 1 liter ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना जाएगा, जितना 2.4 में जाता है उसको 2.4 से डिवाइड कर दो, 43.2 को 2.4 से डिवाइड करो, 24 बन जा 24,
13 में से हो गया 9 और 3 में से हो गया 1 और ये उत्तर है 2। 24 8 192, तो कितना जाएगा 18 किलोमीटर, इसको यहाँ लिखना है और ये डिवीजन भी सम में करके दिखानी है और इसी के साथ आपके अंदर 10.7 कंप्लीट।